डिफेंस की प्रिपरेशन करने वाले मेरे सारे छोटे भाई बहनों को नमस्कार, राम राम। और हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं एनडीए एयरफोर्स एक्स ग्रुप नेवी डबल ASSR के लिए प्रिपरेशन शुरू, जिसमें कि हम शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी हमारे 30 या 32 टॉपिक हैं मैथमेटिक्स के, तो वो हम सारे के सारे यूट्यूब के ऊपर फ्री पढ़ाएंगे। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बेटा बच्चों को ये दिक्कत होती है कि हम कहाँ कहाँ परमुटेशन लगाएं और कहाँ कहाँ कॉम्बिनेशन लगाएं। मैक्सिमम जो जो भी हमारे बच्चे होते हैं वो लगभग गांव से आते हैं या फिर शहर में कुछ मतलब ऐसे स्कूल से पढ़ के आते हैं जहाँ पे उनको रटा रटा ज्ञान बताया जाता है। तो फिर आज मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ परमुटेशन लगाना है और कहाँ कहाँ कॉम्बिनेशन लगाना है। बेटा आज तक आपको ये बताया गया है कि हमारे पास फॉर्मूला ऑफ द एनसीआर है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। और ये भी बताया गया है कि एन पी आर है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। बट कहाँ कहाँ हमें एन पी आर लगाना है और कहाँ कहाँ हमें एनसीआर लगाना है, ये हमें किसी ने नहीं बताया। लेट अस स्टार्ट, क्योंकि प्रैक्टिकली एग्जाम यही आता है। जब भी बेटा बात हो आपके पास सिलेक्शंस की, मान लो कि आपके पास 10 स्टूडेंट हैं और उनमें से 4 को पिकनिक के ऊपर लेके जाना है, तो वहां पे क्या है आपको सिलेक्शन करना है। तो जब भी आपकी लाइफ में सिलेक्शन आए तो वी विल यूज सी। जब भी आपके पास कॉम्बिनेशन की बात तब होगी, कॉम्बिनेशन में केवल सिलेक्शन होता है। जब भी आपको कोई भी चीज सेलेक्ट करनी हो, मान लो 11 बॉयज में से 4 को पिकनिक पे लेके जाना है, तो 11 सी 4। लेकिन यहीं पे अगर आपके पास ये आता है कि आपको सबसे पहले 4 बॉयज हैं और 4 बॉयज को 4 जगह के ऊपर बैठाना है, तो बेटा यहाँ पे चीजें हैं दो। एक तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 में से 4 बॉयज को सिलेक्ट करेंगे, इसको बोल दिया 4 से 4। और फिर अगर यहाँ पे बॉय 1 बैठ गया, यहाँ पे बॉय 2 बैठ गया, यहाँ बॉय 3 और यहाँ बॉय 4, तो एक हमारे पास अलग से अरेंजमेंट बन रही है। अगर बॉय 2 यहाँ आ गया और बॉय 1 यहाँ पे आ गया, तो फिर हमारे पास अलग से अरेंजमेंट बन रही है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जहां पे जगह बदलने पे फिजिकल चेंज आए, जहां पे जगह बदलने पे फिजिकल चेंज आए, वहां पे यूज करेंगे हम NPR। जहां पे जगह बदलने पे फिजिकल चेंज नहीं आता, वहां पे यूज करेंगे NCR। फॉर एग्जाम्पल, 4 बॉल्स हैं बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल सिमिलर, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक और ये भी क्या है ब्लैक। अगर अगर मैं बाहर गया पीछे से किसी भी आप में से किसी ने ये वाली बॉल यहाँ रख दी और ये वाली बॉल यहाँ रख दी, मैं आया वापिस, तो क्या मुझे पता चलेगा? नहीं, क्योंकि सारी की सारी क्या है सेम है। इसलिए अब अगर चीजों को आपस में जगह चेंज करने से फिजिकल चेंज नहीं आए, वी विल यूज सी। चीजों को आपस में जगह बदलने पर फिजिकल चेंज आए, वी विल यूज पी। तो मतलब जो जगह बदलने पे चेंज होता है वहां पे NPR का यूज होता है, जहां पे जगह बदलने पे चेंज नहीं होता वहां पे किसका यूज होता है NCR का, मतलब सिलेक्शन के लिए NCR का प्रयोग होता है। अब हम इनके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन बनाएंगे, क्योंकि इनके कनेक्शन के ऊपर NDA में सवाल आए हैं। और अगर हम प्रत्येक क्लास में एनडीए के सवाल करेंगे, उसके हमें 2 बेनिफिट मिलेंगे। पहले वाला बेनिफिट, जो हमारे पास एनडीए के जो हमारे पास PYQ होते हैं, वो UKU हमारे पास एयरफोर्स और नेवी में आते हैं। सेकेंड थिंग, आपको अलग अलग वीडियो नहीं देखने पड़ेगी एनडीए PYQ के लिए। लेट अस स्टार्ट कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है और कैसे इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया बेटा कि हमारे पास NCR है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, और NPR है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या बन गया, NCR किसके बराबर हो गया,
वन अपॉन आर फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल पी एन पी आर, ठीक है, ये डिवाइड वहां जाकर मल्टीप्लाई, तो ये बन गया एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू एन पी आर। बेटा मैंने बहुत लंबे समय तक जेई मेंस कराया है, तो वहां के हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बताते थे कि सर फिट जी में एन पी आर को लेते ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास एन पी आर का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, सिलेक्शन प्लस में अरेंजमेंट, और यहां से एन 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 सी आर का मतलब भी क्या हो गया, सिलेक्शन और आर फैक्टोरियल का मतलब अरेंजमेंट, तो बजाय कि वो एन पी आर लेते हैं वो लिख देते हैं एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, पहले वो चीजों को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अगर पोजीशन बदलने से चेंज आ रहा है तो इंटे आर फैक्टोरियल लगा देंगे, अगर पोजीशन बदलने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो केवल एन सी आर से काम चला लेंगे, ठीक है। तो ये इनके बीच में रिलेशनशिप बन गया एन पी आर इक्वल टू एन सी आर गुना में आर फैक्टोरियल। तो एक छोटा सा सवाल इसके ऊपर एनडीए में आया हुआ है कि इफ 77 पी 31 किसके बराबर है, एक्स के इक्वल है, 77 सी 31 किसके बराबर है, वाई के इक्वल है, तो इनमें से किसकी वैल्यू बड़ी होगी, छोटी होगी या फिर इक्वल होगी। तो गिवन जो हमारा रिजल्ट है उसमें हमें देखकर ये नहीं लगता कि दो नंबर की मल्टीप्लाई से एक बड़ा नंबर बन रहा है, मान लो ये दो है ये तीन है तो इक्वल टू छः बनेगा, मतलब एन पी आर क्या होगा, हमेशा एन सी आर से बड़ा होगा, इसका मतलब एन सी आर से बड़ा होगा क्या, एन पी आर मैक्सिमम बराबर हो सकता है। यहाँ पे एन पी आर की वैल्यू कितनी है, एक्स, और एन सी आर की वैल्यू कितनी है, वाई, तो मतलब एक्स क्या होगा, वाई से बड़ा होएगा। तो ये आया था हमारे पास एनडीए 2013 में, दिस इज द आवर करेक्ट ऑप्शन। अगर आप मेरे से डीपली रेगुलरली पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सेकंड थिंग क्या है बेटा, इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड ध्यान देना, एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू एन पी आर, क्वेश्चन आया 2009 में कि 132 पी 6 किसके बराबर है, के इंटू 32 66 के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे देखिए एक ब्रेक बार, 32 पी सिक्स किसके बराबर है, के इंटू 32 सी सिक्स के, एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल होता है एन पी आर के, तो आर यहाँ पे क्या है, 6, कंपेयर करेंगे तो के किसके बराबर आ गया, आर फैक्टोरियल के, आर क्या है 6, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 720। आप रेगुलरली मेरे से पढ़ते रहिए, आपको इस तरीके के टेक्निक्स हैं या फिर जो जो भी कंसेप्ट आप को आप सीख नहीं पाए फिर भूल गए हैं वो आपको सिखाते चले जाएंगे। आगे चलते हैं बेटा, हमारी पहली जो प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन की वो ये है कि अगर एन सी पी इक्वल है एन सी क्यू के, तो या तो P और Q इक्वल होंगे या P और Q का सम N के बराबर आएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे जो NDA 2013 में आया था। ऐसे जस्ट क्वेश्चन एयरफोर्स एक्स और नेवी मिलेंगे क्योंकि ये सीधे कोई क्वेश्चन है इसलिए मैं लेके आया था, और NDA का आपका BPYQ का बेस बनेगा। तो बेटा इसमें क्या है कि 28C2R इक्वल है 28 C2R-4, या तो दोनों इक्वल होंगे या दोनों का सम n के बराबर मिलेगा। इक्वल तो हो नहीं सकते क्योंकि 0 और माइनस 4 बराबर नहीं है। P प्लस Q इक्वल टू n, 4R माइनस 4 इक्वल टू 28, 4R इक्वल टू 32, और आर की वैल्यू बन गई बेटा 8, सो 8 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ये जो लास्ट सम है NC12 इक्वल टू NC8, NCP इक्वल टू NCQ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 22CN, तो सिमिलरली अगर हमारे पास
NC12 NC8 के बराबर है, तो 12 प्लस 8 किसके बराबर बन गया, 20, ठीक है ना। तो हमें वैल्यू किसके निकालनी है बेटा, 22 CN। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 22 CN की वैल्यू 20। एक और फार्मूला बिल्कुल बेसिक फार्मूला है कि एन सी आर इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर के, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो ये किसके इक्वल बन गया, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर टू, और 22C2 आप सभी को सोल्व करना आता है। 11 और 21 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, 231। तो बेटा ये हमारी बिल्कुल बेसिक क्लास थी जिसमें मैंने थोड़ा सा आपके साथ कंसेप्ट को डिस्कस किया है और मैंने 4 या 5 प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा, क्योंकि मैं भी गांव से हूँ, अगर आप में कोई बच्चा रेगुलरली क्लास लेना चाहता है डिफेंस की, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, तो वो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिए। जो जो टॉपिक्स आपको नहीं आते वो टॉपिक्स कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो आप बाकी बच्चों को भी बताइए। इट विल बी फ्री एंड आपके प्यारों से की रिक्वायरमेंट रहेगी। पार्ट 2 इसका जल्दी आने वाला है। थैंक यू।